बोलूं कहाँ से शुरू करूँ? मेरे बच्चे, इतवार के दिन मेरा बच्चा घर पे था, उसको बुला लेके गए। बुला लेके जाके जो है प्रिंस फंक्शन हॉल में बुला लेके जाके उसको प्रिंस बार, बालाजी बार में ले जाके उसको खिलाए खिलाए पिला खिला के उसको मेरे बच्चे को मार के, ग्रेनेड डाल के मेरे बच्चे को मार दिए, मेरे बच्चे को मार दिए। और जो है सो ना दवाखाने को लाए, बाद में कोई आए नहीं, कोई लीडर आए ना कोई आए। मेरे बच्चा को बहुत जो है करना खाना था, मेरे बच्चे को एक बेटा और बेटी है, उन्हें वही जिम्मेदार आदमी था, उसको कोई ये नहीं था, उसको पिला के मारे। और जो है कौन सो मारे? नामा मालूम नाम, आपके पास? नामा एक अज्जू और खुदबू, खुदबू, खुदू, रहीम, दो तीन जने हैं। दो तीन जने गोली हैं से साहब। मारे थे ना? ग्रेनेड से मारे, ग्रेनेड डाल के मारे, ग्रेनेड डाल के मारे। बच्चे को जो है दिमाग की जगह पे लग गया, वो वहीं कुंद हो गया, बच्चा वहीं पे बेहोश हो गया। तो भी ऊपर से ग्रेनेड डाल रहे थे, उस्मानिया को लाए। उस्मानिया में ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ मेरे बच्चे को। बार बार अगर हम जा रहे तो डॉक्टर हमको ये बोलते थे, झिड़कियाँ देके भगा देते थे। और जो है सो बहुत तंग कर रहे, कोई नहीं आना, वो नहीं आना बोल के झिड़कियाँ देके आदमी की कोई इज्जत नहीं रखते थे। ऐसा कर करके दिए, कोई लीडर आया नहीं, कोई बड़े लोग आके नहीं बोले। हम खुद जाके उनके पास रिक्वेस्ट करे तो वहाँ से फ़ोन करके क्या बोले नहीं मालूम, लेकिन हम हाँ बच्चे जवाब से उतर करे। आज क्या हुआ? आज जो है सो रात में 2 ढाई बजे, 2 बजे इनका दम गया, दम गया। बाद में मैं जाके देखा, देखा तो सो पेट जो है चलना, सांस बंद हो गई थी। तो मैं डॉक्टर साहब को बोला ऐसा हो गया, बोला तो मैं जो है दूसरे काम में हूँ, मैं देखता हूँ, जाओ तुम बाहर, जाओ जाओ तुम बाहर जाओ बोल के ऐसा बोले। तो अब हम लोग क्या कर सकते, अब उनका सुनना बोल के हम बाहर आके ठहर गए। तो सुबह में 8 से 8:30 बजे डिक्लेयर करे वो बात, किस दिन? आज चारशंबे के दिन 8:30 बजे डिक्लेयर करे। डिक्लेयर करे तो हम लोग मुर्दे खाने में है, हम लोग का पोस्टमार्टम पे लेके आए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ यहाँ कोई बड़े आदमी कोई है नहीं, सिर्फ सर्कल साहब वो आए हैं, चल रहा। जोरो बच्चे, छोटे एक बच्ची है, एक बेटा है, और उनके लिए, उनके उनके लिए इंसाफ होना, और जो मारे और उनके लिए कड़ी सी कड़ी सजा देना, और उनको 2-3 महीने में छोड़ना नहीं है, उनके बेल ऑर्डर कोई एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ उनको फिर डबल पीटीआर, पीटीआर तक डाल के उनको जो है, या नहीं तो उम्र कैद की सजा देना, इंसाफ होना। ये मर्डरों पे मर्डर रहा, मर्डरों पे मर्डर रहा। और वो प्रिंस बार के पास में देखो तुम, पब्लिक को चलने जगह नहीं है, उतनी जगह नहीं है, वहाँ पे पीना लड़ना करना, हाँ औरतें जा रहे आ रहे कर रहे, वो कुछ नहीं है, खाली पीना रोडों पे पड़े कर रहे, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है। हाँ ना हम लोगों को वहाँ पे ले जाके किसी से बयान लिया, ना कोई एक्शन लिया। तो हमारे को इंसाफ होना, और मेरे वो छोटे 2 बच्चे हैं, उन्हें जिम्मेदार आदमी था, उनके लिए कुछ इमदाद होना। तो असर साहब, असद साहब, केसीआर साहब और केटीआर साहब, एमएलए साहब, उन लोगों से मेरे मदद चाहिए हमको, वो बच्चों के लिए, उनकी बीवी 2 बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ तो मदद चाहिए। हाँ हम खुद किराए के घर में हैं, उनको ही हम मतलब देखने वाला कोई नहीं है उनको, वो बच्चों का कैसा होगा क्या होगा, ये आप लोगों जरा हमको गुजारिश है साहब, आप लोगों कुछ मदद कीजिए।